हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार सबसे ज़्यादा ठंड पड़ी है यार, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है एंड मेरे पीछे देखना आपको कहीं चलने का रास्ता तक नज़र नहीं आएगा आज, बिकॉज आज इतना ज़्यादा स्नोफॉल है, दो दिन से बर्फ़ पड़ रही है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको मैरी क्रिसमस विश करने का है एंड यू गाइस हैव हेल्प मी रीच 5000 सब्सक्राइबर्स। सो जो मैंने सोचा था मेरे न्यू ईयर से पहले पहले हो जाने चाहिए, काफ़ी पहले हो गए, मतलब 10 दिन से भी ज़्यादा टाइम से, तब हमने 5000 लोग क्रॉस कर लिए इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन हु हैज सपोर्ट दिस चैनल फ्रॉम डे वन एंड आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। फिलहाल मैं आपको आज का सिनेरियो दिखाता हूँ यहाँ पे कि बर्फ़ पड़ने का, कई लोग पूछते हैं वहाँ पे काम कैसे होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पीछे देखो ये रोड है, जो इस पर सॉल्टिंग की गई है, अभी अभी पीछे कॉन्ट्रैक्टर गया जो सॉल्ट डाल के जाता है पूरी रोड पर, और ये काम रात को भी चलता रहता है। एंड ऐसी साइड वॉक, ये देखो साइड वॉक दिख रही है आपको, इस पर भी सॉल्टिंग की जाती है ताकि जो लोग चलने वाले हैं यहाँ पे वो फिसल ना जाए, बिकॉज अगर यहाँ पे बर्फ़ जमती है तो वो ब्लैक आइस बन जाती है। ब्लैक आइस पे चलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के शूज़ नहीं है, विंटर शूज़ नहीं है, स्नो बूट्स नहीं है, बिकॉज होता क्या है कि जब आप उसे पैर रखते हो वो स्लिपरी होती है इतनी जगह कि आप अगला कदम रख नहीं पाते, क्योंकि वो ग्रिप नहीं बन पाती आपके पैरों की। लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपने पार्ट टाइम जॉब से आ रहा था, तो मैं अपनी बस का पीछा कर रहा था कि यार ये वाली बस ना निकल जाए, बिकॉज सैटरडे संडे को बस सर्विस कम होती है। तो मैंने बस का पीछा करने के चक्कर में इतनी तेज, मतलब मैं भागा लेकिन वहाँ पे ब्लैक आइस थी, तो मैं वहीं फिसल गया, वहीं मैं लंबा पड़ गया। सारे आस पास लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरी पैंट वगैरह पूरी गंदी हुई पड़ी है। तो वो तो शुक्र है मेरे को चोट तो लगी थी, पर उतनी नहीं लगी थी बिकॉज मैं ज़्यादा घिसड़ता हुआ नहीं गया था आगे तक इसीलिए। बट ध्यान रखना जब भी आप आओ तो फैशन वाले शूज़ कम लेना, स्नो के टाइम वाले ज़्यादा लेना, बिकॉज वो काफ़ी टाइम आपके चल जाएंगे। एंड मैंने यही गलती कर दी लास्ट टाइम, मैं आपको अपनी गलती से बताता हूँ। मैंने अच्छी क्वालिटी के, मीडियम क्वालिटी के लिए थे, मैंने वो एक पैर तो ऐसा टूटा उसका तो वो पूरा पैर ही ख़राब हो गया, तो मुझे अब दोबारा नए लेने पड़ेंगे, दोबारा से खर्चा पड़ जाएगा। तो जो गलती मैंने की है वो आप लोग मत करना। आप लोगों को दिखाता हूँ कि स्नो में बचना कैसे है, बिकॉज दिन के टाइम तो लोगों को पता रहता है कि यार पूरा वाइट वाइट दिखता है, तो ईजिली आप पता लगा पाते हो कि चलने वाला रास्ता कौन सा है और जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है जहाँ पे नहीं चलना वो रास्ता कौन सा है। मैं आपको अभी कैमरा एंगल चेंज करके दिखाता हूँ, देखना आप। अब ऐसे आपको दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा चलने वाला, कि चलने वाला रास्ता कौन सा है या फिर जहाँ पे नहीं चलना वो रास्ता कौन सा है। अब आप समझ सकते हो कि गली है तो ये वाला रास्ता चलने वाला ही होगा, बट नाइट टाइम में क्या होता है आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, बिकॉज जैसे आप ये देख रहे हो ये जो लाइन जा रही है ये वाली, अगर आपको सही से दिख पा रही हो कैमरे में, अगर ये लाइन आपको दिख रही है दिन के टाइम तो ठीक है, बिकॉज इसके इधर नहीं चलने वाला रास्ता है, इसके इधर चलने वाला रास्ता है, तो आप सही पता लगा पाओगे। बट नाइट टाइम में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, तो वहाँ पे ध्यान रखना आप उस टाइम, बिकॉज आप फिसल सकते हो। किस्मत अच्छी है, वीडियो बनाते टाइम पीछे कॉन्ट्रैक्टर आया था, वो बर्फ़ को थोड़ा सा हटा गया। देखो आपको लाइन नज़र आ रही होगी, पूरा एस्कर्व बना, मैं कैसे दिखा रहा हूँ, ये देखो पीछे आपको दिख रहा है, ओ देखो। तो ऐसे ही दिन में चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे स्नोफॉल होती रहती है ये हटाने का काम करते रहते हैं, तभी यहाँ पे कोई काम नहीं रुकता सर्दियों में भी, बिकॉज लाइफ चलती रहती है। उनको पता है हर सीज़न ऐसे ही आना है, हर सीज़न ऐसी बर्फ़ पड़नी है, तो क्यों ना फर्म कोई जुगाड़ किया जाए जिससे काम ना रुक सके, तो ऐसा होता है यहाँ पे। यही बताना था वीडियो में, मैरी क्रिसमस विश करना था आपको। सो वंस अगेन मैरी क्रिसमस। वही वीडियो पसंद आई हो तो वही पुराने यूट्यूब के जो लॉज होते हैं, मर्जी आपकी, लाइक करनी है लाइक कर दो, जो करना है कर दो, खुश रहो बस, आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा।